नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G versus Realme Nazo 55G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.46 इंच जबकि Nazo 55G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 इंच जबकि Nazo 55G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 11 Pro Plus 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 202 ग्राम जबकि Nazo 55G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में AMOLED जबकि Nazo 55G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.67 इंचेस जबकि Nazo 55G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 1080x2400 और Nazo 55G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 86.01% जबकि Nazo 55G में 85.49% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nazo 55G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 55G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 55G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Nazo 55G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Adreno 619 जबकि Nazo 55G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Nazo 55G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Nazo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Nazo 55G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Android V11 जबकि Nazo 55G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 कलर्स जबकि Nazo 55G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Nazo 55G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 55G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है, दूसरा OnePlus 9 Pro है, तीसरा Realme 8 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।